नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुक समीक्षा में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति, सतीश चंद्रा द्वारा लिखी गई है। अब आइए बताएं कि इस किताब को कैसे विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं और कौन कौन से विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये UPSC, UPPSC और जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग से स्टेट लेवल की जो PSS की परीक्षाएं होती हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो है ये किताबें हैं। और इसको जो है अगर GS के इतिहास के सब्जेक्ट के पर्पज़ से लोग पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छी किताब ये है। और मुख्य परीक्षा में जिनका इतिहास सब्जेक्ट होता है उनको तो ये पढ़ना बिल्कुल मस्ट है ही है। तो आइए देखते हैं, इस किताब के बारे में रिव्यू करते हैं कि क्या क्या खास है इसमें। देखिए, किताब का नाम है मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति। और इसका देखते हैं पब्लिकेशन, देखिए तो पब्लिकेशन है ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन का है, राइटर हैं सतीश चंद्र और ये 2022 का संस्करण आया हुआ है, नया संस्करण, ठीक है। और ये आगे का पृष्ठ था जो जिसमें एक लिखा है मध्यकालीन भारत राजनीति समाज और संस्कृति, और ये इसके पीछे का भाग है जो हरे रंग में हल्का सा जो है, इनके बारे में, इस किताब के बारे में दिया गया है। फिर सतीश चंद्र जी के बारे में दिया गया है, फिर इसमें इनका कोई ऐप है जो ऐप के द्वारा आप जो है इसमें कुछ देख सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं और इनके बारे में और भी आप जान सकते हैं। किताब का मूल्य देखें तो 395 रुपये की किताब है और ये असल में रेफरेंस बुक है तो इसमें ज़्यादा छूट तो नहीं मिलती, लेकिन कम से कम 10 से 12 15% तो छूट मिल ही जानी चाहिए। तो आपको 340-350 रुपये तक जो है आपको मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। देखिए, दिया गया है ओरिएंट ब्लैंक स्वान पब्लिकेशन और ये इसमें जो है अपना इन्होंने इंग्लिश में जो इसके बारे में पब्लिकेशन के बारे में बताया है। तो ये किताब का नाम है 8वीं से 17वीं सदी तक का जो है ये इसमें इतिहास दिया गया है उसका। देखिए, ये सतीश चंद्र जी के बारे में, पूर्व प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के भी पूर्व अध्यक्ष थे ये और प्रोफेसर जो है JNU के प्रोफेसर भी थे। हिंदी अनुवाद नरेश नदीम, इसका मतलब ये किताब इंग्लिश में है, इसका हिंदी अनुवाद जो है नरेश नदीम जी ने किया है। ये देखिए ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट कंपनी का जो है ये एड्रेस है। इसकी शाखाएं देखिए बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, विशाखापट्टनम आदि जगह पर है। सतीश चंद्रा प्रथम प्रकाशित 2007 जो है ये प्रथम प्रकाशित हुई थी। और ये देखिए छपते 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है 2021 और ये 2022 में भी जो है यही संस्करण है। और इनके बारे में, मुद्रण के बारे में, प्रकाशक के बारे में दिया गया है। विषय क्रम में आई देखते हैं तो विषय क्रम देखिए भारत और विश्व, उसके बाद उत्तर भारत और दक्कन, तीन साम्राज्य का युग है, तो चोल साम्राज्य, आर्थिक सामाजिक जीवन, शिक्षा विश्वास, टकराव का युग, दिल्ली सल्तनत, 14वीं सदी में प्रसार और पतन, शासन और आर्थिक विजयनगर और बहमनी काल, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, 13वीं से 15वीं सदी तक में देखिए दिया है मुगलों का आगमन, बाबर, हुमायूं, अफगानों का चरमोत्कर्ष, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर का युग, फिर दक्कन और दक्षिण भारत 1656 तक, फिर मुगलों की विदेश नीति, मुगल काल में आर्थिक और सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास क्रम, औरंगजेब और उनकी आंतरिक समस्याएं। तो अगर हम इसके और बारे में विस्तृत अगर हम इसके बारे में बताएंगे तो विस्तृत बताने का मतलब वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। तो हम इसके मेन मेन टॉपिक के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि ये टॉपिक है, उसके अंदर टॉपिक में जितने भी मामले आते हैं, मैटर होंगे, वो सब जो है दिए होंगे छोटे छोटे पैराग्राफ में बनाकर। तो सांस्कृतिक और धार्मिक विकास क्रम है, औरंगजेब और उसकी आंतरिक समस्याएं हैं, फिर औरंगजेब के बारे में या उसके शासनकाल में जितने भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में सब कुछ दिया होगा। फिर
मुगल साम्राज्य और चरमोत्कर्ष और विघटन, मराठों का उदय, शिवाजी के बारे में है, प्रथम चरण, औरंगजेब मराठा, दक्कन मुगल, औरंगजेब की जिम्मेदारियाँ, मूल्यांकन और समीक्षा ये भी दिया गया है। फिर संदर्भ ग्रंथ अनुक्रमणिका। तो मित्र ये 395 रुपये किताब है और 374 पेज की जो है ये किताब छपी हुई है। अब भाई देखते हैं इसके का इसके अंदर जो है कैसी किताबें छपी हैं, कैसे कैसे क्या हैं, कैसे कैसे जो है मामला इसमें दिया गया है। देखिए भारत 700 से 1030 ईस्वी तक पेज नंबर 8 दिया है। जो साम्राज्य ये जो है ये मानचित्र मतलब दिया गया है इनका, 21-21 पेज पर जो है ये टॉपिक उधर था जो हमने पहले बताया था, ये सब दिया गया है। ये डिस्क्रिप्टिव था, इसी डिस्क्रिप्टिव के बीच में जिस जिस शासन काल के बारे में इन्होंने व्याख्या किया है उस शासन काल से संबंधित इन्होंने मानचित्र भी दिया है। तो उसी मानचित्र के बारे में ये बता रहे हैं कि कौन कौन से मानचित्र किस किस पेज पर किस किस शासन काल के दिए हैं। तो मानचित्र एक है भारत 700 से 1030 ईस्वी 18 पे है, जो साम्राज्य 28 पे है, भारत लगभग 1200 ईस्वी 63 पे है, दिल्ली संतत 13वीं शताब्दी 86 में है, दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी के पूर्वार्ध में 109, भारत प्राचीन राज्य 172, भारत अकबर की मृत्यु के समय 266 पेज पर है, और मुगलों और दक्षिण विजय 1707 की सीमाएं जो है 356 पेज पर, ये 8 मानचित्र जो है इसमें दिए गए हैं। और फिर आगे आइए देखते हैं इसकी लिखावट प्रिंटिंग कैसी है, कैसे कैसे ये पैराग्राफ में दिए गए हैं। ये देखिए अध्याय एक का हमने ये पीडीएफ बनाया हुआ है, भारत और विश्व, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ में दिया, फिर दिया यूरोप, यूरोप के बारे में बताया गया है। तो प्रिंट तो बहुत अच्छी ही है, पेज भी बड़े अच्छे हैं, लिखावट बहुत ही साफ है, सुंदर है। फिर देखिए दूसरा पीडीएफ ने बनाया दिल्ली विजयनगर और ब्राह्मणी काल तथा पुर्तगालियों का आगमन, 147 पेज का हमने पीडीएफ बनाया है। यहाँ भी लिखावट बहुत अच्छी है, पेज बिल्कुल साफ है। फिर मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण 229 पेज का हमने बनाया है, इसमें देखिए हेडिंग दिया प्रशासन। तो कहने मतलब कि ये पैराग्राफ में दे रहे हैं लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है ये छोटे छोटे हेडिंग भी जो है दे के जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो मित्रों ये थी किताब मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा द्वारा लिखी गई, जिसको नदीम जी ने हिंदी में अनुवाद किया था। इसका मतलब सतीश चंद्रा ने जो है इसको इंग्लिश में ही इस किताब को लिखा था। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।